फाइनली फाइनली गणपति जी आ चुके हैं और पूजा पाठ सब हो चुकी है और आप देख चुके होंगे। तो अभी शाम की पूजा की बारी है। थोड़ी देर थक गए थे बहुत ज़्यादा यार, मतलब थक गए थे, थोड़ा रेस्ट किया है, खाना पीना खा लिया है और मतलब क्या ही लग रहे हैं गणपति जी, मतलब देखने लायक चीज़ है। एक बार आप दोबारा देखिए। जिसके लिए हम कल पूरी रात जागे थे, 3 बजे 3:30 बजे सो गए थे। तो सारे काम अच्छे से हो चुके हैं। अब 5 दिन के लिए गणपति जी हमारे घर आ रखे हैं तो इनका देखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो 5 दिन तो हमारी सेवा भी यहीं चलेगी। बाकी शाम की पूजा है, शाम की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। डेकोरेशन में मज़ा आ गया, मतलब सबकी मेहनत वसूल है। हम जितने बच्चे लगे हुए थे सबकी मेहनत वसूल हो गई। डेकोरेशन की लाइट हो गई, ये हमारा डेक रखा हुआ, ये हमारी एक लाइट रखी है, ये एक और जल रही है, एक ही डेक ये रखा, और भगवान जी तो अपनी जगह है ही विराजमान। तो बस थोड़ी देर में मिलते हैं पूजा पे, ठीक है। ये बापा ये या भक्तांना दर्शन द्यायला ये। गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका चिक्की। का दूसरा दिन और पूरा दिन बीत चुका है। हम मॉर्निंग में पूजा में थे नहीं, अभी आए हैं ऑफिस ख़त्म करके। तो अभी शाम की आरती हम अटेंड करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। पता नहीं किसी ने रिकॉर्ड करी थी मॉर्निंग में, नहीं करी ना, पता था हमें, कोई रिकॉर्ड नहीं करता, हमें करना पड़ेगा। तो अभी शाम की आरती में मिलेंगे सब एक साथ। अभी साफ़ सफाई पूरी निपटा दी है, कारपेट सारे साफ हो चुके हैं, ये लौंडा हमारे साथ लगा पड़ा है। तो अभी गणपति जी और दिन पर दिन खूबसूरत होते जा रहे, बस भगवान को किसी की नज़र ना लगे। ये हंसते खाते 5 दिन ऐसे बीतेंगे हमें खुद पता नहीं चलेगा। बस यही सोच रहे हैं कि ये 5 दिन थोड़े आराम से बीते, क्योंकि बुरे दिन तो भाई बड़े रुक रुक के बीते, लेकिन अच्छे दिन ऐसे बीते जैसे वक्त का कोई भरोसा ही नहीं है ना। हाँ तो बस देखते हैं। इधर है, इधर इधर
गणपति बाप्पा बोलिया। तो बस यही है अब दिक्कत। नहीं एक मिनट पहले हम कैमरे में आया था सही, क्योंकि ना वो पीछे डी वाली लाइट है ना ये थोड़ा रिफ्लेक्ट करी, तभी इसको हम 5 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, अब ठीक आया। तो ये है कि हम कहाँ थे, ये तो हम घर पे भूल गए। तो हाँ यार काम हमको सारे निपट गए, अब 5 दिन तो हमारी सेवा यही रहेगी। अब दिक्कत ये आ रही है कि इस्कॉन की सेवा भी आ गई। जिस दिन गणेश जी का विसर्जन के लिए हम जाएंगे 5वें दिन वो है शनिवार, और शनिवार को इस्कॉन में वो है कुछ, मतलब कृष्ण जी का कुछ है, राधाष्टमी। तो वो हमें आ गया हमारे ग्रुप में कि भैया हमें आइए आप, अब हम ये सोच रहे हैं यहाँ निपटा के वहाँ जाए गए थे, क्योंकि टाइमिंग तो हमारा मैच कर जाएगा, एक आध घंटे हम लेट हो जाएंगे, लेकिन वही है कि वहाँ पहुँचेंगे फिर जान नहीं बची, क्योंकि यहीं पे हम इतना इन्जॉयमेंट करेंगे वो तो हम आपको दिखाएंगे क्या इन्जॉयमेंट होगा, लेकिन वही है ना कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा। बाकी 5 दिन यार बड़े जाएंगे तो अच्छे, लेकिन वही वो 5वें का जो 6ठा दिन है ना वो अकेला फील कराता है बहुत ज़्यादा, तो क्या ही कर सकते हैं। हर किसी का आना लिखा तो जाना भी लिखा, तो भगवान जी आएंगे जाएंगे भी से, लेकिन ये यार मज़ा आ रहा है, मतलब कुछ भी कहो एक रूप भगवान का इतना प्यारा लग रहा है ना। आज हमारी वाली माला छोटी आ गई है भगवान जी की, तो भगवान जी नाराज़ मत होना। हाँ अब ठीक है, इसको हम थोड़ा यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, भगवान जी कहेंगे कितने टाइट टाइट पहना रहे हो। मतलब यार क्या, मतलब भगवान जी निखर के ही आ रहे हैं। तो अभी हम आपसे शाम की आरती में मिलेंगे, बाकी कोई काम तो अभी हमारा ऐसा रह नहीं रहा है। शाम की आरती निपटाएंगे, फिर मासी के घर जाना है, माँ टीका लगवाना है, फिर टीका लगवा के घर आएंगे, घर आके फिर मॉर्निंग में वही रूटीन। 4 दिन तो ही चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी है कि गाने डालने ही पेन ड्राइव में, लेकिन यार मज़ा आ रहा है। ये दो है ना ये दो क्या साउंड आ रहा है, मतलब धासू एक नंबर। सुनाऊँ आपको, तो सुना आपने वो साउंड पे ऐसा एकदम मस्त, क्या करेगा गणपति जी है, उनकी सेवा में रहेंगे 5 दिन और बताएंगे 5 दिन यहाँ पे एक अच्छे से याद में, और याद के लिए तो हम YouTube पे डाल देंगे जैसे कि हमारी भी याद रहे और आप लोगों को भी याद रहे। बाकी आप सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट तो ज़रूर करना, बताना भगवान जी कैसे लग रहे हैं, डेकोरेशन कैसी लग रही है, बिकॉज मेरा ये फर्स्ट टाइम है, और हर साल अब करेंगे बड़े धूमधाम से, मतलब जितना भगवान करा सकेगा। भगवान कहेगा मेरे को इस बार छोटा नहीं, मेरे को और बड़े रूप में आना है, हम और बड़े रूप में। भगवान कहेगा जगह बड़ी चाहिए, हम और जगह बड़ी लगे, लेकिन सब भगवान की कृपा से। तो मिलते हैं अभी पूजा में थोड़ी देर में, ठीक है।